बड़े घर की बेटी। आनंदी एक उच्च कुल की बेटी है जिसका विवाह गौरीपुर गांव के एक खस्ता हाल जमींदार के बड़े बेटे श्रीकंठ से हुआ। श्रीकंठ सिंह ने बड़ी मुश्किल से बीए पास किया और एक दफ्तर में नौकरी हासिल की। वह समृद्ध परिवार का हामी है। इसी से अपने छोटे भाई लाल बिहारी और अपने पिता बैनी माधव सिंह के परिवार के साथ मिलकर रहता है। एक दिन लाल बिहारी अपनी भावज आनंदी को दो चिड़ियों का मांस पकाने को कहता है। आनंदी ने हांडी में कुल पाव भर बचा घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी ने भोजन करते हुए आनंदी से कहा, भाभी दाल में घी नहीं डाला? आनंदी बोली, हांडी में घी पाव भर ही था सो मैंने मांस में डाल दिया। बस इतनी सी बात पर दोनों में कहा सुनी हो गई। लाल बिहारी ने भाभी के मायके को लक्ष्य कर ताना मारा जिसे आनंदी सह ना सकी और उसने भी कह दिया, मेरे मायके में तो रोज़ इतना घी नाई कहार खा जाते हैं कोई गिनता भी नहीं। लाल बिहारी तिलमिला कर भाभी के खड़ाऊ फेंक मारता है। वह तो आनंदी ने हाथ से रोक लिया, नहीं तो सिर माथा फूट जाता। आनंदी रो पड़ी। इधर लाल बिहारी ने अपने पिता के आगे आनंदी की बुराई की। बाप ने बेटे श्रीकंठ सिंह से बहू की शिकायत की। रात को जब श्रीकंठ सिंह ने आनंदी से बात चलाई तो आनंदी फूट फूट कर रोने लगी और पति को बताया कि लाल बिहारी ने कैसे खड़ाऊ फेंक मारी और मेरे मायके की निंदा की थी। पत्नी का रोना और लाल बिहारी के दुर्व्यवहार की बात सुनकर श्रीकंठ सिंह एकदम लाल पीला हो गया। अपने पिता बैनी माधव सिंह के पास जाकर बोला, दादा अब इस घर में मेरा निवाह ना होगा, यहाँ या तो लाल बिहारी रहेगा या मैं। लाल बिहारी को अब मैं शक्ल तक नहीं देखना चाहता। सब सचकित रह गए। श्रीकंठ के ऐसे तेवर देखकर समृद्ध परिवार की हिमायत करने वाला श्रीकंठ एकदम कैसे बदल गया। वह यहाँ तक कह देता कि मैं लाल बिहारी को अपना भाई नहीं समझता। लाल बिहारी ने अपने भाई के मुख से सब सुना तो वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने तुरंत घर से निकल जाने का निश्चय किया। वह रोता हुआ भाभी आनंदी के पास गया और क्षमा मांगते हुए बोला कि वह घर से जा रहा है। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी पर अब वह पछता रही थी। उसने सपने में भी यह नहीं सोचा था कि श्रीकंठ छोटे भाई पर इतना बिगड़ जाएगा। वह अपने पति से कहती है, लाल बिहारी को रोको, भीतर बुला लो, मेरी जीभ जल जाए, मैंने क्यों यह झगड़ा उठाया। श्रीकंठ का हृदय पिघल गया और उसने लाल बिहारी को गले लगा लिया। बैनी माधव सिंह ने पुलकित होकर कहा, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता काम बना लेती हैं। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं।